नमस्कार, कुक विद रमा में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम बनाएंगे मसाला मठरी। इसके लिए हमने 500 ग्राम मैदा ली है, ये हमने चाट मसाला लिया है, नमक है और अजवाइन, ये ऑयल है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसमें हमें नमक डालना है, नमक हमें बहुत कम डालना है क्योंकि हम जो चाट मसाला यूज करेंगे उसमें काफ़ी नमक होता है। अब हम अजवाइन डाल देंगे। तो देखिए अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे, अच्छे से इसको मिक्स करते जाएंगे। देखिए हमें इस तरीके से अपने मैदा में मोइन लगाना है। अब हम इसमें पानी डाल के अपने मैदा को गूंथ लेंगे। ये देखिए मैदा हमारी लग के बिल्कुल तैयार है। हमने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पे गरम होने के लिए। अब हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए इस तरीके से हमने चार बॉल बना ली है अपनी। ये देखिए हमने इसको अच्छे से बेल लिया है। अब हम इसमें एक चम्मच पानी डाल के ऊपर से अच्छे से लगा देंगे। अब हम इसके ऊपर चाट मसाला डालेंगे और चाट मसाले को अच्छे से फैला देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें फैला देना है। ये देखिए अच्छे से फैल चुका है हमारा चाट मसाला। हम इस तरीके से इसको फिर रोल कर देंगे। ये देखिए अब हम इसको एक चाकू की मदद से इसको काट लेंगे। अगल बगल से इसका हम निकाल देंगे पहले। आप इसको चाहें तो पतला भी काट सकते हैं और अगर मोटा रखना चाहें थोड़ा सा तो मोटा भी रख सकते हैं। देखिए इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा भी मोटा काटते हैं इसको तो थोड़ा सा अपने हाथ से दबा दीजिए। ये देखिए ये देखिए तेल हमारा गरम हो चुका है। हम सारी मठरियों को इसमें डाल देंगे। इसी तरीके से हम अपनी बाकी मठरियां भी बना लेंगे।
देखिए मटरी हमारी सिक के बिल्कुल तैयार है। तो देखिए हमारी सारी मटरी सिक चुकी हैं, कितनी अच्छी बनी है ये मटरी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।